हेलो गाइस, कैसे हो? जैसे कि मैं बढ़िया हूँ, तो मैं आ चुका हूँ वीडियो लेके गाइस। और इस वीडियो में मैं पहली बार अपनी वॉइस को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब अपनी मेरी जो वॉइस है वो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। और आशा करता हूँ मेरी वॉइस आप लोगों को पसंद आएगी। और इस गेम प्ले में मतलब एक बढ़िया चीज़ हुई है, मैं अपने दोस्त से कहा कि वो नियत्ता रहेगा और मैं उसके साथ मतलब मैं उसको सेव करते हुए खेलूँगा और देखते हैं मतलब क्या होता है। और यहाँ पर हम लोग चल रहे थे और उस समय हम लोगों को एक बॉट मिल जाता है और हमने सोचा कि क्यों ना उसको मार देते हैं, हमारे किल कैडी बढ़ जाएगी। बॉट को मारने में क्या है? और हम लोग जाते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं कि वो मैं 3 नंबर वाला मैं हूँ और मैंने उससे को मार दिया और उसमें थोड़ा सा लूट पुट करते मैं चला रहा हूँ। और इस वीडियो को मैंने अपने दोस्त के मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, इसका भी एक कारण है जो आप लोगों को मैं बाद में बताऊँगा। चलिए देखते हैं वीडियो कैसा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग आ चुके थे पोलाना में, यसना पोलाना में, पोलाना में लाल कल के सामने हम लोग आ गए थे। और यहाँ पर हम लोगों की लाइफ थोड़ी कम हो गई थी, हम लोगों के पास लूट फूट भी ज़्यादा नहीं थी। और हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर रुक के थोड़ा हिल विल कर लेते हैं, हम लोग मतलब रूट लूट लेते हैं, और क्योंकि लास्ट जोन में लूट तो ज़रूरत होती है, आप लोगों को पता ही है। और देखिए मेरा दोस्त यहाँ पर क्या कर रहा है, और मतलब लिटरली यहाँ पर मतलब नाच वाच रहा है और मैं देख ही सकते हैं, मतलब 3 नंबर का लोगो लगा हुआ जो बंदा है वही मैं हूँ। फिर मतलब हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा लूट उल लेते हैं और हम लोग देख ही सकते हैं आप लोगों ने कि हम लोग हील वील कर लिए और हम यासना में लूटने चले गए। और आप देख ही सकते हैं 3 नंबर का जो बंदा है वही मैं हूँ। और लूट वूट खत्म होने के बाद हमने सोचा कि यहाँ पर खड़े होने का क्या फ़ायदा है, हम लोगों को जोन में तो जाना ही है, इसलिए हम लोगों को यासना में गाड़ी मिल जाती है और मैं अपने बंदे को लेके वहाँ से निकलने आया हूँ। और आप लोग देख ही सकते हैं मैप में कि जोन तो बन चुका है और वहाँ पर हम लोगों का एक भी, क्योंकि हम लोग स्क्वाड में खेल रहे थे, उस स्क्वाड का पहला बंदा तो स्क्वाड का एक बंदा पहले ही मर गया था। और 1 नंबर वाला जो बंदा है वो हम लोगों से दूर, वो भी मतलब हम लोगों से दूर ही था और उसको भी जोन में आना था और वो भी इस घर में ही आया। और देखते हैं इस घर में मतलब एक लिटरली बहुत अच्छी फाइट हुई है, आप लोगों को पता ही चल जाएगा। और मेरा यह दोस्त देख ही सकते हैं आप, वो नियत्ता है और यहाँ पर वो मतलब क्या करेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मेरे साथ वो घर में घुस जाता है शायद, और देखिए अब हम दोनों घर में घुस गए और वो उसका बैग भी नहीं था, वो अभी बैग उठाया। और हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों को पता चल चुका था कि सामने वाले घर में बंदे हैं और हम लोग सामने वाले घर में चले गए, मैं सामने वाले घर में चला गया। और इस समय पे एक मज़ेदार कहानी हुई जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। हम लोगों को पता था कि उस सामने वाले घर में बंदे हैं और आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा बंदा भी वो अपर बॉम ऑफ कर रहा है क्योंकि मेरे को मतलब हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये मतलब 16 बस स्क्वाड ही है, 1 नंबर वाला बंदा तो बहुत दूर है और एक बंदे के पास कुछ भी गन वन नहीं थी, सिर्फ मेरे पास गन है, तो ये अपर बॉम ऑफ करता है। और उससे मेरे को पता चलता है कि वो अपर, और मैं भी मतलब वहाँ पर एक बंदे को नॉक कर देखता हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं नीचे लिखा आया था। और फिर मैं उस घर की तरफ, आप लोग देख सकते हैं कि 3 नंबर वाला बंदा वही मैं हूँ और मैं उस घर की तरफ जा रहा हूँ। और देखते हैं उस घर पे मतलब 2 बंदे थे और देखते हैं मतलब क्या होता है उस घर में। और मैंने सोचा था कि घर में 1-2 बंदे होंगे लेकिन घर में थे 3 बंदे और देख सकते हैं कि मैंने उस बंदे को मार दिया है। और मतलब हमारे पास लूट वूट भी ज़्यादा नहीं थी तो हम लोग सोचे कि उससे थोड़ा लूट वूट लेते हैं। और मेरा ये जो बंदा था वो मतलब मेरा जो फ्रेंड था वो यहाँ पर स्मोक वॉक कर देता है और यहाँ पर टेरिस में आके वो खड़ा हो जाता है। और मैं पीछे देखता हूँ कि बंदे मतलब जोन में यही एक घर था जोन में और हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर बंदे होंगे और बंदे नहीं भी होंगे तो बंदे यहाँ पर ही आएंगे। और आप लोग देख सकते हैं 1 नंबर बंदा पता नहीं कहाँ से नॉक हो गया, मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं, मैं उसको मतलब बचाना तो पड़ेगा ही क्योंकि टीममेट है। और मतलब मेरी गलती से मैंने उसको देखा नहीं, वो सांप बन के मेरे को मार दिया और आप लोग देख सकते हैं वो सांप बन के नीचे गिरा हुआ है और उसने मेरे को भी नॉक कर दिया। अब मतलब मेरा ये बंदा क्या करेगा वो मतलब सोच रहा है और इसको उस समय पता चला कि उसके पास पेन है और मतलब ये पेन से मार देता है, मतलब लूरा नूब, ये बंदा इतना नूबरा था कि उसको पता भी नहीं था पीछे से एक बंदा आके उसको पेन से मार देता है। और मेरा दोस्त था कि मेरे को रिवाइव देता है
और मतलब हम लोग बच जाते हैं, इसके वजह से ये वीडियो हो पा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग यहीं पे मर जाते तो वीडियो नहीं भी हो पा रहा था। वो मेरे को रिवाइव दे रहा है, उसके बाद वो एक नंबर वाले बंदे को भी रिवाइव देगा। फिर मैं मतलब यहाँ पर थोड़ा मतलब हील बिल कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं नॉक हो गया था, और मैं थोड़ा उससे लूट के हील बिल कर लेता हूँ। और मेरा यह बंदा मुझे बता रहा था कि जोन आ रहा है, मुझे मतलब उतना पता भी नहीं था कि ऊपर से जोन आ रहा था, मैंने मैप को फॉलो भी नहीं किया था। और हम लोगों ने गाड़ी में बैठने का सोचा, हम लोग गाड़ी में बैठे, फिर हम दोनों गाड़ी में बैठे और हम दोनों जोन के लिए चले गए, क्योंकि दौड़ के तो जोन में नहीं जा सकते थे। आप लोगों को पता ही है लास्ट जोन का पहले वाला जोन है, बहुत जोन मतलब डैमेज बहुत करता है। हम लोगों ने एक नंबर को बोला भी कि तू जोन में बैठ जा, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं बैठ सकता, बैठ सका, शायद उसका ग्लिच विच होगा। हम लोग यहाँ पर बैठे और हम लोग देख ही सकते हैं आप लोग कि हमारा हील ख़त्म हो गया था। और हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर मतलब लिटरली सांप बन जाते हैं लास्ट जोन में, और सांप बन के हील वील कर लेते हैं। मतलब मुझे उतना मैं मतलब लास्ट जोन में सांप नहीं बनता, क्योंकि हील करने के समय भी मैं सांप बनता होगा, क्योंकि पता नहीं हील कम होगा और पता नहीं पीछे से कोई बंदा आके मेरे को मार देता। और मैं यहाँ पर हील कर रहता हूँ, मेरा दोस्त भी आप लोग देख सकते हैं, मेरा दोस्त भी हील कर रहता है। और मतलब यहाँ पर उसी समय एक गाड़ी आ जाती है, और आप लोग देखेंगे कि गाड़ी वाला बंदा क्या करता है। ये मतलब देखिए, वो गाड़ी आ गया और वो लोग गाड़ी से उतर के सीधा मतलब सांप बन गए। मतलब लास्ट जोन में बंदे मतलब इतने नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि सांप बनना ही अच्छा खेल है। मतलब ये नहीं कि जाए एनिमी को मारे, दो चार ज़्यादा किल करे, ये सब नहीं है। खाली सांप बनेंगे और अगर सामने आ जाए कोई तो उसको मार देंगे। मतलब बहुत अच्छा खेल है। मतलब ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है पबजी मतलब आप लोगों को मार के ही उसमें जीतना है। चिकन डिनर मतलब ऐसा नहीं मिलता। हाँ, बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि चिकन डिनर मतलब बंदे ऐसे ही मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा चिकन डिनर नहीं मिलता है। और यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा आगे जाते हैं, मतलब सांप बन के रहने पर क्या फ़ायदा है, वो लोग सांप बनेंगे तो हम लोग तो सांप नहीं बनेंगे। और मैंने इस बंदे मेरे दोस्त को बोला कि तुम आगे जाओ, और जगह मतलब तुम गोदावरी करते रहो, और मतलब इसको अगर किसी ने मारा तो मैं उसको मार दूंगा, क्योंकि ये लोग सांप बन गए थे। और इस जगह पे घास वास भी ज़्यादा थी, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था क्योंकि ये बंदे मतलब कहाँ पर है। और आप लोग देख ही सकते हैं वो इसको हिट भी दे रहा है। और मेरे इस दोस्त ने भी एक कमाल का काम किया है। वो सामने गया और उस तरफ मतलब उसने देखा कि बंदा वहाँ पर है, बंदा गिली सूट पहना वहाँ पर बैठा हुआ था। बंदा मतलब क्रोजा चल रहा था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उसके बाद में। और मतलब वो बंदा मेरे को मार रहा था, उस समय मेरा भी थोड़ा ग्लिच विच दे रहा था मोबाइल में, और मैं भी उसको मतलब बॉडी शॉट दे रहा था। वो मतलब मुक्खा मार के उसको मार देता है, और मतलब हम लोगों को मिल जाता है वो निर्विनर चिकन डिनर, और गेम हम लोग जीत जाते हैं। मेरा इस गेम में 7 किल हुआ था, और मतलब मज़ा बहुत आया इस गेम में। एक नियत बंदे को हम लोगों ने चिकन डिनर दिलवा दिया, और मतलब आप लोग देख ही सकते हैं हम लोगों ने चिकन डिनर बनाया। मेरा दोस्त बहुत खुश हो गया था इस जगह में, और मतलब ये नाचने वाचने भी लग गया था। मतलब इमोट्स होते हैं इसलिए, क्योंकि हम लोग चिकन डिनर के बाद लोगों को दिखा सकते हैं, और मतलब बहुत अच्छा लगा इस गेम में खेल के। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिए, मतलब ये बंदा इतना नूबड़ा था, इसके पास क्रोजा था, इसके बाद भी ये मतलब मेरा तो एक ग्लिच भी दे रहा था, इसके बाद भी ये मुझे मार नहीं पाया, मेरे दोस्त को नहीं मार पाया, और हम लोगों ने चिकन डिनर ले लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नया आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।